हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। फ्लेवर्स इन आशीष किचन में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिली पनीर की रेसिपी। अगर आपका कोई लंबा तामझाम करने का मन ना कर रहा हो और पनीर अवेलेबल हो घर पर, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। घर में सबको बहुत पसंद भी आती है। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच लहसुन। चिली पनीर में लहसुन थोड़ा ज्यादा डलता है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। अब अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे अच्छी खुशबू आने तक। 1 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब लहसुन और अदरक अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टमाटर की प्यूरी। 4 टमाटर लेकर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है, इसकी प्यूरी बना ली है। अब टमाटर को भी अच्छे से भूनना है। इसे भूनने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच नमक। अब टमाटर की प्यूरी को टमाटर की रॉ स्मेल निकलने तक अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का पूरा कच्चापन निकल जाए और टमाटर की प्यूरी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। ये देखिए प्यूरी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और इसकी रॉ स्मेल भी अच्छे से निकल गई है। अब मैं इसमें डालूंगी सॉसेस। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें सोया सॉस। अगर आप सोया सॉस कम पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली सॉस। अगर आपको चिली ज़्यादा पसंद है तो आप सॉस की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम करके डालेंगे विनेगर। 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें केचप। और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर की प्यूरी और सारी की सारी सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। 1/2 कप जितना पानी डाल दिया है मैंने। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। सॉसेस को थोड़ा सा पका लेंगे पहले। अब मैंने ले लिया है 1 बड़ा प्याज और इसके बड़े बड़े पीसेस कट कर दिए हैं और सारे प्याजों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, वो डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च। इस तरह से चोरस चोरस में काट लेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है और 4 हरी मिर्च इस तरह से ले ली है मैंने, क्योंकि मैं चिली पनीर बना रही हूँ तो थोड़ा सा चिली तो होना चाहिए इसमें। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। प्याज और शिमला मिर्च को सॉसेस के साथ अच्छे से कच्चा पक्का भूनने तक पका लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कच्चा पक्का इसे भून लेंगे। सब्जी की तरह नहीं गलाना है, ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, कच्चा पक्का रखना है। अब ये सॉस भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, लेकिन प्याज और शिमला मिर्च को अभी भी थोड़ा सा गलाना बाकी है, कच्चा पक्का करना बाकी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और पानी डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसे दोबारा से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ढककर नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से रल मिलता गया है ये। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये मैंने ले लिया है 180 ग्राम्स जितना पनीर।
ये घर का बना हुआ पनीर है। अगर आप भी घर पर पनीर बनाना चाहते हैं तो मैंने इसकी रेसिपी को चैनल पे डाल रखा है, आप वहां से देखकर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही घर पर पनीर बनके रेडी हो जाता है। अब सब्जियों के साथ पनीर को भी अच्छे से मिक्स होने देंगे ताकि पनीर भी ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए पनीर को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे ताकि पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और ग्रेवी के साथ अच्छे से रल मिल भी जाए। आप चाहें तो ग्रेवी वाला चिली पनीर भी बनाकर खा सकते हैं और अगर चाहें तो ड्राई चिली पनीर भी बनाकर खा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेवी वाला चिली पनीर नहीं बना रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाला चिली पनीर बनाना चाहते हैं तो जैसे अभी इसमें अभी ग्रेवी दिख रही है तो आप इस स्टेज पर गैस को बंद करके इसे सर्व कर सकते हैं, और अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए अब इसकी ग्रेवी पूरी तरह से सूख गई है और ये चिली पनीर भी बनके रेडी हो गया है। अब अगर आपके पास हरा प्याज है तो बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास हरा प्याज नहीं है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया डालूंगी और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब ये चिली पनीर बनके रेडी हो गया है, इसे सर्व करेंगे। 10 से 15 मिनट में चिली पनीर बनके रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और घर में सबको बहुत पसंद भी आती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके घर में ये रेसिपी सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।